दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। सेकेंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट हमने आपके लिए डाल दिए थे, एप्लीकेशन पर भी पड़े हुए भी हैं, फ्री स्टडी मटेरियल में इंपॉर्टेंट जो भी हमने बनाया था सर, ठीक है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बच्चे ऐसे हैं जो कहेंगे कि सर जी मल्टीपल चॉइस पेपर आएगा, तो हमने सारे मल्टीपल चॉइस एप्लीकेशन पर फ्री स्टडी मटेरियल में डलवा दिए हैं, उनकी वीडियो भी हमने बना रखी है, आराम से उन्हें देखिए और जाके फ्री स्टडी मटेरियल से पढ़ डालिए, काम आपका चल जाएगा सर, ठीक है। लेकिन वो सारे लिंक हम दे देंगे, जो ऑब्जेक्टिव वाली पीडीएफ जितनी भी है उनका लिंक दे देंगे, एप्लीकेशन का लिंक दे देंगे, जो भी सारी चीजें उन सबका लिंक हम दे देंगे सर, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन से वो टॉपिक है जो थ्योरी के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो कह रही हैं हम सर ऑब्जेक्टिव लेंगे, कुछ कह रही हैं नहीं मैं तो लिखवाऊंगी, वो वाला सिस्टम है ना, मैं तो लिखवाऊंगा। सर जी लिखवाऊंगी का क्या मतलब है? अबे यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी कैसा साउंड कर रही है लिखवाऊंगी वाला सर, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हमने आपसे कहा था कि जो सेकेंड सेमेस्टर है इसे दो पार्ट में तोड़ लो, एक है थर्मोडायनामिक्स और एक है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है भैया। अगर थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो और थर्मोडायनामिक्स के लॉ ही नहीं पढ़े, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो बेकार है मेरे भाई पढ़ना। यानी आपको यह जरूर पढ़ना है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इन चारों लॉ में से एक ना एक लॉ जरूर मिलेगा, भले ही शॉर्ट में मिले, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर के रूप में जीरोथ लॉ मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, पेपर में जरूर मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। कार्नोट थ्योरम जिसपे हमने डबल टिक कर रखा है मेरे भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। कार्नोट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है तो आपको कार्नोट थ्योरम आनी चाहिए। मेयर का फार्मूला सीपी माइनस सीवी बराबर आर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, आपको पता होना चाहिए सर, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक ठाक है, पढ़ लेना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी सर, ठीक है। कुछ डेरिवेशन जैसे ट्रांसपोर्ट फिनोमिनन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फिनोमिनन क्या होता है, 8 PCBC बराबर 3 RTC, क्रिटिकल फिनोमिनन, ट्रांसपोर्ट फिनोमिनन, ये सारे काफी हैं, पेपर में आ जाते हैं। ये चार रिलेशन है, इनमें से कम दो रिलेशन प्रूव करने को जरूर आएंगे। सीबी बराबर माइनस का टी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल टी स्क्वायर, यू बराबर माइनस का डेल टी स्क्वायर, इस तरीके के चार रिलेशन है, इन्हें देख लीजिएगा सर, ठीक है। एंट्रोपी है और इसकी एक इक्वेशन होती है एस बराबर लॉग पी करके कुछ आता है, शायद के लॉग पी करके आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये लॉन्ग में आएगा और जरूर आएगा सर, ठीक है। मैक्सवेल के रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन, पहला रिलेशन, दूसरा रिलेशन, तीसरा रिलेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जूल थॉमसन इफेक्ट लॉन्ग में आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पे भी हमने डबल टिक कर रखा उन्हें तो छोड़ना ही नहीं है और बाकी पढ़ना तो है ही मेरे भाई सर, ठीक है। वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन, इसमें 8 PCBC बराबर 3 RTC, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्टीफन लॉ, बीन्स लॉ, रेले जीन्स लॉ, प्लांक्स लॉ, ये छोड़ने की गलती मत कर देना, रेले जीन्स लॉ मोस्ट वांटेड है, पेपर में आएगा ही आएगा सर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। शॉर्ट में रिवर्सिबल इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं पूछे जा भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन ये मत छोड़ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्टीफन्स लॉ, ठीक है, प्लांक्स लॉ और रेले जीन्स लॉ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करें तो थेवेनिन्स थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं हम, जरा देखिए सर, तो अगर हम लोग उसके बाद बात करें, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद तीन थ्योरम्स हैं आपके में, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपने देखी थी गॉस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, अगर आपको कठिन लग रही हो तो आप कमेंट करिएगा, हम पहले ये थ्योरम्स ही बना देंगे अगर आपके पड़ोस में, हालांकि 2 बजे डेली क्लासेस लाने की कोशिश रहती है लेकिन इस समय ऑफलाइन और इतने सारे काम में पड़ गए मेरे भाई कि क्लासेस चैनल पे वीडियो पहुंचनी मुश्किल हो रही है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आप कमेंट करिएगा अगर आपको चाहिए होगी तो ये थ्योरम्स हम पहले बना देंगे। थेवेनिन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम, ये तीनों थ्योरम्स में से एक पेपर में लॉन्ग में आ जाएगी मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें तो पीएन जंक्शन डायोड, इसे कतई नहीं छोड़ सकते हो, पीएन जंक्शन डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी या तो डिप्लेशन लेयर आ जाएगी या फिर फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग आ जाएगी, यानी कुल मिलाकर इसे आप छोड़ नहीं सकते हो, पीएन जंक्शन डायोड। और जैसे एलईडी है, एलईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, टनल डायोड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन ये सब होते क्या है, सब पीएन जंक्शन डायोड ही तो होते हैं, एलईडी क्या है, एक पीएन जंक्शन डायोड ही तो है, स्पेशल टाइप का बनाया हुआ सर, ठीक है, तो ये जरूर पढ़ना है। शेयरिंग ब्रिज है, मैक्सवेल ब्रिज है, इस तरीके के वीन्स ब्रिज होता है, ये ब्रिज होते हैं सब एक जैसे ही दिखते हैं, एंडरसन ब्रिज है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है तो इन्हें आप देखिएगा सर, ठीक है।
उसके बाद लोड लाइन क्या होती है। तूफान भाई बार बार फोन कर रहा था सर, ठीक है बताया था तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तूफान भाई, वीडियो बना दिए। लोड लाइन में एसी लोड लाइन, डीसी लोड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। एसी रेजिस्टेंस क्या होता है, एम्पलीफायर क्या होता है, और रेक्टिफायर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, ठीक है। इस तरीके की सारी चीजें जो भी हैं, रेक्टिफायर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। मल्टीमीटर क्या होता है, सीआरओ क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलेटर सर, ठीक है। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, ब्रेकडाउन में जेनर ब्रेकडाउन और एवलांस ब्रेकडाउन, और उसमें जो जेनर डायोड है वोल्टेज नियंत्रक के वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में होता है, उसे भी आपको पढ़ लेना है सर, ठीक है। और गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है और क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, लेकिन इसमें हम कहेंगे कि आपकी जो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम लोग गिने मेरे भाई, ठीक है, चलिए सर हम गिनवा दे रहे हैं आपको, वरना सर आप कहेंगे कि जो है पता ही नहीं सर ने जो है वो क्या क्या बता दिया। लीजिए सर अभी दो मिनट आप रुकिए, हम आपको गिनवाते हैं कि रियलिटी क्या है, कितने पे हमने डबल टिक कर रखा। उन्हें तो आपको छोड़ना ही नहीं है मेरे भाई, क्योंकि अगर आपने उन्हें छोड़ने की कोशिश की तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आइए चेक करते हैं भैया, डबल टिक वाला कितना लो, एक है, दो है, तीन है, चार है। ये देखिए बीआरएमएस क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वीएमपी क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वी एवरेज क्या होती है, औसत वेलोसिटी, केमिस्ट्री में पिछले साल पढ़ा था सर, ठीक है। तो एक टनल डायोड पे भी लगा लीजिएगा सर, ठीक। तो पीएन जंक्शन कितने होगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, अरे हम कह रहे 20 क्वेश्चन होंगे भाई डबल टिक वाले। उन 20 क्वेश्चंस को पढ़ने की एक प्रॉपर टेक्निक आप क्या करोगे, सबसे पहले लेके बैठो सुबह से शाम तक, अगर परसों भी पेपर है तो कल दिन भर में का मतलब लगभग दोपहर बाद शाम तक ये 20 क्वेश्चन बिल्कुल तैयार कर डालो। आपको लगता है कि परसों ही पेपर टाइम नहीं मिला तो मॉडल पेपर उठा के एक बार अंधाधुंध देख लो, बचा हुआ भी देख सब लेना मेरे भाई, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। खास करके जितने क्वेश्चन इस पे लिखे हुए हैं इतने तो तैयार कर ही लेना, प्लस साथ में फिजिक्स के पेपर में कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं सर, ठीक है। तो उन न्यूमेरिकल्स को भी लगाने की कोशिश करिएगा, कुछ देखिएगा न्यूमेरिकल्स, और नहीं भी लगा पा रहे तो कम से कम इतना करके जरूर जाइएगा। ये जो आपको फोटो यानी ये पीडीएफ जो है ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम बीडीकेडिन बीएससी पर भी, और साथ ही साथ एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल, एप्लीकेशन में आप साइड में जाएंगे तीन डॉट बने होंगे वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल में क्लिक करिएगा, सेकंड सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में केमिस्ट्री के भी पड़े हुए हैं, फिजिक्स के भी वहीं पर डाल देंगे। तो हम एप्लीकेशन का लिंक दिए दे रहे हैं, साथ में जो हमने मल्टीपल चॉइस वाली वीडियोस बनाई हुई हैं उनका लिंक दिए दे रहे हैं सर, ठीक है। और उसके साथ साथ उनकी जितना भी इंपॉर्टेंट है वो सारे का सारा हमने डाल रखा है एप्लीकेशन पर ही, वो सारी चीज भी आप देख सकते हैं फ्री स्टडी मटेरियल में। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस लाने की, टेंशन मत लीजिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।